आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बताऊंगा, तो और ये मैं आपको बताऊंगा फिल्मोरा के अंदर, और जो मैं ऑप्शन बताऊंगा बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, जब हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, उसमें इफ़ेक्ट लगाते हैं, उसमें ट्रांजिशन लगाते हैं, कुछ अच्छी तरह से एक वीडियो क्रिएट करते हैं, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय जाता है। लेकिन अचानक अगर ऐसा होता है कि अचानक इलेक्ट्रिसिटी चला गया या कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया कि हमारा पूरा का पूरा जो मेहनत होता है वो बर्बाद हो जाता है। मतलब आधा घंटा हम लोगों ने एडिट किया, कुछ अच्छा बनाया हम लोगों ने, क्रिएट किया, लेकिन अचानक कुछ फॉल्ट हो जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा काम है, वो सेव होता चला जाए, जैसे एक मिनट काम किया सेव हो गया, फिर एक मिनट काम किया सेव हो जाए, तो ऐसे क्या होता है, हमारा जो बनाया हुआ रहता है वो हमारे पास वापस हमें मिल सकता है। तो वो ऑटोमेटिकली कैसे अपना प्रोजेक्ट को हम लोग सेव करते हैं, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ, सभी भी जितना भी फिल्मोरा है सबके अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल मैं फिल्मोरा एक्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं, देखिए मैंने कुछ यहाँ पर क्रिएट किया है, अब मुझे ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली एक एक मिनट बाद या पाँच पाँच मिनट के बाद ये सेव होता हुआ चला जाए ये प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेनू बार है, यहाँ पे एडिट एडिट है, उसके ठीक स्टार्टिंग में देखिए फाइल है, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रिफ्रेंसेज बोल के ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं प्रिफ्रेंसेज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रिफ्रेंसेज का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडिटिंग है, उसके ठीक बगल में देखिए सेव बोल के ऑप्शन दिया हुआ, सेव में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेव का, इस तरह का सेव का बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए बैकअप माई प्रोजेक्ट अवे, यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक मिनट से स्टार्ट है, यहाँ से देख सकते हैं एक मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, बीस मिनट, तीस मिनट, 30 मिनट का टाइम दिया हुआ। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर एक मिनट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, एक एक मिनट के बाद वो क्या होगा, हम काम करते जाएंगे, एक एक मिनट के बाद वो बैकअप लेता चला जाएगा, सेव होता हुआ मेरा प्रोजेक्ट होता चला जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग एक मिनट काम करेंगे, अचानक कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया या चला गया, तो हमें इसे बैकअप दे के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे 5 मिनट दे दिया, 5 मिनट्स दे दिया, टाइम आप जो इच्छा लगे आप सेट कीजिए, 5 मिनट का टाइम दे दिया या मिनट्स दे दिया। कहने का मतलब 5-5 मिनट का काम मेरा एडिटिंग होता रहेगा, 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेता चला जाएगा, सेव करता हुआ मेरा प्रोजेक्ट को चला जाएगा, कि जब भी कुछ बंद हो जाए, जब कुछ हो जाए, दोबारा मैं प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो क्या होगा, मुझे वो काम किया हुआ जिस जगह तक मैंने काम किया हुआ था, उस जगह मुझे वापस मुझे वहाँ तक का प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये बैकअप वाला। यहाँ पे दिया हुआ बैकअप प्रोजेक्ट फाइल टू, कहाँ पे आपको बैकअप करना है, यहाँ से आप वो डेस्टिनेशन लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट का सेटिंग रहता है, किस जगह पे मैं जब प्रोजेक्ट सेव हो रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वाला यहाँ पे सेट किया हुआ, तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना देर आपको बैकअप लेना है, कितना कितना देर बाद, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने देखिए यहाँ पे 5 मिनट 1 मिनट दिया हुआ है, तो मैंने 1 मिनट दे दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है मेरा एडिटिंग, तो मैंने 1 मिनट का दे दिया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद क्या होगा, एक एक मिनट तक जैसे मान लेते हैं इसको एडिटिंग किया, कुछ इफेक्ट दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक एक मिनट के बाद ये बैकअप सेव होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिल्मोरा के अंदर ऑटोमेटिकली अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।